Good morning, children. How are you all? Hope you all are fine. Children, today I am going to teach you short form in maths. बच्चों आज मैं मैथ में आपको शॉर्ट फॉर्म पढ़ाऊंगी. तो यहाँ देखिए शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं. शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे. यहाँ पे देखिए नंबर है 10 + 6. 10 + 6 मतलब 10 में 6 को हमको ऐड करना है, जोड़ना है. तो 10 + 6 ऐड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन वो तो बहुत टाइम लगेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा. तो शॉर्ट फॉर्म में बहुत आसानी से ये 10 का जो फर्स्ट नंबर है 1, आपको यहाँ राइट करना है 1, और ये सेकेंड नंबर 6, और यहाँ राइट करना है 6. ये क्या हो गया, 10 + 6 क्या होता है, 16 भी होता है. अगर आप ऐड करके देखोगे 10 में 6 तो आपको 16 ही आएगा, ठीक है. और लेकिन हम बहुत आसानी से बनाए हैं, 10 + 6 1 इसका लिख लेना है, और नेक्स्ट नंबर का यहाँ पे राइट कर देना. ये क्या हो गया 10 + 6 16. अब नेक्स्ट नंबर है 30 + 8. अब 30 का आपको यहाँ पे 3 लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है 8, ठीक है, 38. अब नेक्स्ट है 50 + 1. अब यहाँ पे लिखना है 5, और नेक्स्ट नंबर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देना है, 51. तो ये बहुत आसानी से मैं आपको सिखा रही हूँ शॉर्ट फॉर्म बनाना. सिर्फ आपको 5 लिख देना और नेक्स्ट नंबर 1 लिख देना, 50. और 50 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो 51 ही आंसर होगा. अब नेक्स्ट है कि 70 + 5. अब 70 का हम लोग 7 यहाँ राइट करेंगे और 5 का 5. अब क्या हो गया 75. नेक्स्ट है 90 + 9. फिर यहाँ 90 का हम लोग 9 राइट करेंगे और नेक्स्ट नंबर 9 है, यहाँ 9 लिख देंगे. क्या हो गया 99. तो 90 + 9 क्या हो जाएगा 99. अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर. मिसिंग नंबर का मतलब होता है कि आपको काउंटिंग दिया रहेगा, लेकिन बीच बीच में वो आपको एक गैप दिया रहेगा, उसको आपको फिल करना है, मिसिंग नंबर को आपको फिल करना है. तो यहाँ देखिए क्या है, फर्स्ट नंबर है 110. 110 के बाद 112 तो नहीं आता है, 110 के बाद 111 आता है. तो यहाँ पे हम लोग 111. तो आपको मिसिंग नंबर का मतलब समझ में आ गया होगा बच्चों, कि जो भी बीच का नंबर है, जो छूटा हुआ है, उसको आपको फिल करना है. अब नेक्स्ट देखिए 110, 111, 112. 112 के बाद फिर एक डैश दिया हुआ है, फिर 114. तो यहाँ पे नंबर मिसिंग है, आपको कौन सा नंबर मिसिंग है वो सोच के राइट करना है. 112 के बाद 113 आता है, 113. अब यहाँ देखिए 113 के बाद 114, और 114 के बाद 115. यहाँ पे भी मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर आपको लिखना है कौन सा होगा, 115. नेक्स्ट देखिए नंबर क्या है, 123. कौन सा नंबर है, 123. 123 के बाद क्या आता है, 124. 1, 2, 4. ये क्या हो गया 124. आपको हमेशा जहां जहां भी ये गैप दिया हुआ उस पर फिल करना है मिसिंग नंबर. ये आपको देखना है कहां कहां गैप है, वहां पे आपको नंबर को डालना है. ये आपको फॉरवर्ड काउंटिंग की तरह बनाना है, ठीक है. 124, 125 के बाद 126, और 126 के बाद यहाँ पे भी एक डैश दिया हुआ, यहाँ पे भी फिल करना है. 127 के बाद क्या आता है, 128, ठीक है. आपको समझ में आया है बच्चों कि हमेशा आपको फिल करना है जो बाद वाला नंबर, इसके बाद जो नंबर आएगा उसको आपको फिल करना है, वही होता है मिसिंग नंबर. 135 के बाद 136, 136. 136 के बाद 137 है, 137 के बाद 138 हो गया. आप देख रहे हो ना, जो भी जहां भी मिसिंग है उसके बगल बाद वाला नंबर 139 है, तो 137 और 139 के बीच में 138 आता है, उसको हम लोग ने लिखा. अब 139 के बाद क्या आता है, यहाँ पे भी एक गैप दिया हुआ है, आपको फिल करना, मिसिंग नंबर फिल करना है. तो 139 के बाद 140 आता है, 140. ये क्या हो गया, 140. क्या बन गया, ये 140. अब यहाँ देखिए 191 के बाद 192, क्योंकि हमेशा 91 के बाद 191 को 192 आता है. यहाँ पे आप देखिए 193 है, तो यहाँ का जो नंबर वो आपको मिसिंग जो है उसी को लिखना है, 192.
192 के बाद 193 के बाद 195 यहाँ दिया हुआ है, तो उसके बीच वाला नंबर क्या होगा जो यहाँ मिस है उसको आपको लिखना है 194 के बाद 195 के बाद 196। ओके चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।